देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अखिल भारतीय संत सम्मेलन का समापन, संस्थान की गतिविधियों से संत हुए अभिभूत। परमात्मा भी इसी धरती पर आता है और जीवात्मा भी इसी धरती पर आती है, परंतु दोनों के आने में बहुत बड़ा भेद है। भेद क्या है? हम कर्म के बंधन में बंद करके आए हैं और वो परमात्मा हमको कर्म के बंधन से छुड़ाने के लिए आता है महाराज। इसलिए हमने परमात्मा के आने को आना नहीं कहा, हमने परमात्मा के आने को अवतरण कहा है। ये कहां से अवतरण हुआ? ये समागम, ये संगम में ही अवतरण हुआ। यही अवतरण इसी का नाम, परमात्मा से मिलना ही परमात्मा का अवतरण है। और ये ब्रह्मा कुमारी का प्रयास, ये संस्था का प्रयास उसी परमात्मा के अवतरण के लिए है जिसमें हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे उन महान संतों को जो कि ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित अखिल भारतीय संत सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधित कर रहे थे। एक तरफ संत महात्माओं ने जहां ब्रह्मा कुमारी के कार्यों की सराहना की, तो वहीं संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने परमात्मा के अवतरण का वर्तमान कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग विषय पर अपना वक्तव्य दिया। कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग का शुभारंभ हो रहा है और इसी शुभारंभ में आपका हमारा सबका योगदान है। हम सब मिलकर के पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। तो ये सुंदर संगम का समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा इस संसार में आते हैं तो समय भी कल्याणकारी बन जाते हैं। 5 दिवसीय संत सम्मेलन का सभी महान संतों ने लाभ लिया, साथ ही संस्थान के सभी परिसरों का अवलोकन कर संस्थान की गतिविधियों को देखकर अभिभूत हो गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शांतिवन में अव्यक्त लोक का बदला नजारा। शांतिवन की ही अन्य खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार जी की स्मृति में बने अव्यक्त लोक स्मारक पर विशेष योग एवं राजयोग की महिमा को दर्शाता लाइट साउंड शो प्रदर्शित किया गया, जिसमें आधुनिक 3D वीडियो मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इस शो के अवलोकन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखने के बाद सभी ने इसकी सराहना की। लातूर में जिला प्रशासन, ब्रह्मा कुमारीज पतंजलि योगपीठ और सुप्रभात ग्रुप की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला क्रीडा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी पृथ्वीराज बीपी ने मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाली संस्थाओं का आभार माना। इस दौरान लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा और बीके पुण्या ने योग के साथ परमात्मा का भी संदेश दिया और राज्यों का अभ्यास कराया। योग हमें जीने की कला सिखाता है, योग हमें मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है, योग के प्रयोग हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त करके देते हैं और योग हमें जीवन को आदर्शमय बनाने की कला सिखाता है। इस योग महोत्सव में अनुशासन, बैठक व्यवस्था और मंच व्यवस्था बीके भाई बहनों ने की और अंत में वहां मौजूद 12,000 लोगों ने योगाभ्यास किया। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मानवता के लिए योग थीम पर जिला प्रशासन, आयुष मंत्रालय, क्रीडा भारती, ब्रह्मा कुमारीज आगरा म्यूजियम तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका अर्जुन अवार्डी ओलंपिक प्लेयर जगबीर सिंह, पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठुरिया द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान आगरा के जोनल इंचार्ज बीके शीला, आगरा में स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर बीके संगीता और बीके मधु ने योग राजयोग के अंतर को स्पष्ट किया। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा व क्रीडा भारती द्वारा बहनों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं बहनों ने आगरा के कमिश्नर अमित कुमार को ईश्वरी सौगात दी। ग्वालियर किले पर भारत सरकार द्वारा सामूहिक योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, सामाजिक संस्थाएं एवं स्कूल के छात्र सहित 300 से अधिक बीके सदस्य शामिल हुए। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग का सार है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एकता की भावना। सदियों से योग का सार एक ही है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एकता की भावना। इन तीनों सारों के आधार पर ज्ञान, कर्म और भक्ति का संपूर्ण मिश्रण योग तैनात करता। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रद्युमन
सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर, बीज एवं फार्म विकास निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल सहित कई अनेकानेक जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इसी कड़ी में ब्रह्म कुमारी संस्थान लश्कर के मुख्य इंचार्ज बीके आदर्श, बीके विनीता, बीके अंजलि, बीके प्रहलाद भी कार्यक्रम में शरीक हुए। ब्रह्म कुमारी के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में योगा के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एमडी डॉक्टर केसी देवनाथ, छत्तीसगढ़ अखंड ब्राह्मण समाज के प्रांतीय सचिव रश्मि शर्मा, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और बीके जितेश्वरी ने योग राजयोग के लाभ बताए और कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में जानकारी दी। तो जब तक हम शारीरिक योगा नहीं करेंगे, तब तक हमारे इस शरीर का इन सब के साथ स्वयं को स्वस्थ रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। जब तक हम रेगुलर अपने आप को इस योगा शारीरिक व्यायाम में नहीं लेकर आते हैं, हम प्रतिदिन आधा घंटा आसन योगा प्राणायाम के लिए समय देते हैं, तो यह हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और आत्मा रूपी देव भी इसमें स्वस्थ रहेगा। अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल में ब्रह्म कुमारीज के साहिबन गीता पाठशाला द्वारा 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स संपन्न हुआ, जहां ब्रह्म कुमारीज की ओर से साहिबन में मधुबन गीता पाठशाला के संचालिका डॉक्टर सुधा कांकरिया ने राजयोग मेडिटेशन जीवन पद्धति की जानकारी दी और अंत में सभी को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला सर्जन डॉक्टर दर्शना धोंडे, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश घोलप समेत कई अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए। राजयोगा मेडिटेशन में हीलिंग बढ़ने के लिए, जैसे डॉक्टर्स जब भी खुद को हील करते हैं, सिस्टर जब खुद को हील करते हैं, तो ही वो पेशेंट को हीलिंग दे सकते हैं, उनकी हीलिंग फास्ट कर सकते हैं। कोरोना के महामारी में उससे हमें राहत मिली और हम अच्छी तरह से मेडिटेशन करके रोग का प्रिवेंशन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम विशेष डॉक्टर्स और सिस्टर्स के लिए सिविल हॉस्पिटल तथा ब्रह्म कुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख एवं राजकोट शहर भाजपा किशोर राठौर ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कॉर्पोरेटर दिलीप लोड़ागरिया, चेयरमैन समाज कल्याण समिति परेश पिपलिया समेत कई नामी ग्रामी लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर भोजल राम सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा और बीके अंजू ने स्वस्थ रहने के लिए राज्यों को जरूरी बताया। इस कार्यक्रम में पंचशील स्कूल, मदरलैंड स्कूल समेत कई स्कूलों के बच्चों और बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। अगली खबर भरतपुर से है, जहां शास्त्री पार्क में आयुर्वेद विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसके बारे में बीके बबीता ने बताया और मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने संस्था का आभार माना। अंत में सभी ने योग का अभ्यास किया। रायपुर के शांति सरोवर में राजयोग मेडिटेशन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगासनों का भी अभ्यास कराया गया। इस विशेष मौके पर क्षेत्रीय निदेशक बीके कमला, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता और पतंजलि योग प्रशिक्षक विपुल भट्ट समेत अन्य सदस्यों ने यह संदेश दिया कि राजयोग से हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।